बारिश कब तक रुकेगी? बारिश बारिश बारिश, ठंड का मौसम जाता ही नहीं यहाँ पे। क्यों, वहाँ देखो पहाड़ों से आने वाला पानी पूरा बेक का साथ आ रहा है। और वहाँ रहा गंदा पानी, पूरा पानी जो मट्टी कलर का हो चुका है। और यही है सब नज़ारा। हेलो इंडिया, नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ये हम लोग का स्कूल के जो ड्रेन से आने वाला पानी। तो आज मैं स्कूल पे थोड़ा सा छोटा सा टूर दूंगा, छोटा मोटा है, आई होप आपको अच्छा लगे। तो इन लोग ने सटाड़े को ये फूल लगा लिया। तो काफी सुंदर से ये फूल इन लोग ने लगाया। यहाँ तक तो ये हमारा एंट्रेंस, यहाँ से हम जाते हैं अंदर की तरफ। और ये है सर मुथाई का ऑफिस, एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच। यहाँ है इसका का रूम, ये है एलकेजी। एलकेजी लोग के लिए अपना सेपरेट टॉयलेट, यूकेजी, ये है क्लास यूकेजी का, ये है क्लास फोर, ये है क्लास नाइन। फिर मैंने अपना रेनकोट बुला दिया था, तो तब से लेके ये सूख ही नहीं रहा, अंदर की तरफ सूख ही नहीं रहा। तो आज मैं पंखे के ऊपर रखा हुआ ताकि सूख जाए। ऑक्सीजन है और भीजा भीजा पहनना पसंद नहीं है। और नीचे की तरफ हॉस्टल गति बंद है सर, कोई नहीं फिलहाल नहीं चला। हॉस्टल फिलहाल अभी बच्चे लोग कुछ है ही नहीं, कोई है ही नहीं, तो सब खाली खाली। नीचे मेस रूम की तरफ जाते हैं, नीचे मेस रूम है। तो ये है डाइनिंग रूम, फिलहाल अब यहाँ से सब सामान उठा चुका है। किचन, कभी कभी स्कूल में पानी का दिक्कत होता है, तो उस कारण से हमने स्कूल पे एक कुआं खोदा था। तो कुआं तो 70 फीट जाने के बावजूद भी पानी का नामो निशान नहीं, पानी रखने का बना दी। बट पानी रखने का बनाने का बावजूद भी कब से हम लोग पानी भर रहे हैं, ये भर्ती हो ही नहीं रहा है। इसका नीचे से लीक है और बारिश के कारण इसमें पूरा मट्टी धस चुका है। ये हमारे स्कूल का जो बाहर का टॉयलेट है, उसके सामने थोड़ा सा लैंडस्लाइड है। ये देखो ज़मीन के नीचे से इतना सारा मट्टी निकाला है, पर पानी तो मिला ही नहीं। 70 फीट जाने के बावजूद भी पानी नहीं मिला, तो पता नहीं। तो कुआं खोदने वालों ने बोला कि अब तो नहीं होगा हमसे, क्योंकि रिस्की का काम है,
तो हमने भी मना कर दिया। पर पानी स्टोरिंग के लिए बनाया था तो ये भी काम नहीं हो रहा है, शायद नीचे से लीक हो रहा है। इन लोग प्लास्टरिंग करते समय सही से नहीं किया हुआ, ताड़ाताड़ी नहीं किया है तो काम उसका वजह से ऐसे हुआ होगा। देखते फिर चेयरमैन सर क्या करते हैं इसके ऊपर। गहरा तो गहरा है, मोबाइल गिर गया बोले सब खत्म है। ऊपर का फ्लोर बन जाएगा तो जो भी क्लास 5 से लेके ऊपर 10 तक ऊपर ही रहेगा। एक तो बाल नहीं है सर पे और हेलमेट लगाना पड़ता है कि वैसे जो भी थोड़े बहुत बाल है वो भी। सर खा पी के आते हुए खुद का मेहनत का सर अपना फोटो ले रहा है। और मौसम देखो क्या बढ़िया हुआ है, मौसम तो मस्त है। पहला फ्लोर बन रहा है और यहाँ ये सीढ़ी है, शायद सीढ़ी बनेगा यहाँ से। और ये जो सिंटेक्स है ये काफ़ी गंदा लग रहा है, इसको भी ऊपर यहाँ से सीढ़ी होगा। वहाँ पे एक बम्बू मेड सीढ़ी है, वहाँ से ऊपर जाएंगे हम और देखेंगे क्लास। देखो क्या मस्त है ना, बादल बादल। अभी बन ही रहा है, कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है। माना कि लैंडस्लाइड तो होना स्वाभाविक है क्योंकि अब कितना लैंडस्लाइड होगा मालूम नहीं। हम लोग का स्कूल का आसपास में ही लैंडस्लाइड हो रहा है, वो हम लोग का टॉयलेट का उधर भी हो रहा है सर, वो टॉयलेट का उधर में भी हुआ है। ऐसे क्या? हाँ जैसे तो लग रहा था अभी, इसलिए गाड़ी उधर तक रखने के लिए वो तो सो जाते हैं। ये भी जाएगा जो है ना, ये भी जाएगा क्योंकि सर का गाड़ी पार्किंग का जगह में लैंडस्लाइड हुआ। लगातार ऐसे बारिश आने से खत्म है सर, ये जगह भी जाएगा, ये भी जाएगा। कौन अभी अला? अभी एक कीड़ा था, मेरे स्कूटर को भी साइड करेगा क्या? तभी भी एक बार आने से तो कौन तो मैं तो आपका अनुमान। अच्छा ये तीना सीना निकल दो, एक साथ में निकलने के लिए सब तकलीफ होगा ना। यहाँ पे रानी का दफन किया और रानी भी निकल जाएगा। कहाँ में रखा था ये? क्या है हा? ये है ना रानी को, ये हाँ वाला नहीं, ये हाँ ये तो मैं बिल्कुल ऊपर में लगा दिया रहा। मेरा हाँ ये धीरे धीरे निकालोगे, ये रिस्की है सर, ये जाएगा सर। हाँ हाँ टीना पूरा निकालना पड़ेगा, यहाँ काम करके फायदा नहीं सर, अभी क्या करेगा, बारिश आएगी अभी फिर से। नेक्स्ट बारिश में तो यहाँ पहुँचेगा होगा सर, गिरने दीजिए ना, बाद में उठाएगा ना, गिरने कोई बात नहीं, नया टीना मिलेगा। अब
वो उनको बहुत नींद लग रही है। इसलिए वही सर थोड़ा उधर में करो बोलने वाला जो दांत थामे तो यहाँ से पूरा जाएगा ये लाइन से, ये खत्म है। और भुवन वो नीचे गिरा वाला टीना को निकालने की कोशिश, ये जितना भी काम किया आधा हम किया है, प्रिंसिपल सर ऐसे काम करने का एक्टिंग कर रहे हैं जो। और भुवन मछली मारने की कोशिश, पहाड़ों में भी मछली मारा जाता है। वाह, यहाँ से पूरा जाएगा ना मिस्त्री भाई साहब, आपको कुछ कहना है? यहाँ से पूरा जाएगा। भुवन उस दिन बोल रहा था यहाँ तक तो कहाँ आएगा, देखा भुवन मान जाएगा तुम अगर वहाँ से मछली मार के निकालेगा। आज सर का घर में मछली होगा, टीना मछली। मछली पकड़ रहे रे, टीना मछली पकड़ने की कोशिश। यहाँ में रानी को दफनाया गया था, वहीं पे सर ने सब्जी लगा दी है। वाह पौष्टिक, ये पूरा जाएगा यहाँ से, ये हिल रहे थे देखो, मेरा वेट ज़्यादा है ना, अगर हम यहाँ में खड़ा रहने से गिरेगा ना। वो देखो ना सर, देखो ना सर पूरा मट्टी हिल रहा, अगर हम यहाँ में ज़्यादा खड़ा रहेगा तो रिस्की होगा ना। मछली टीना मछली निकलते हुए वो टुकड़ा मतीना को तो छोड़ देने से भी हो जाता। और ये नेक्स्ट मछली मरने का तैयारी, भुवन गिरा तो खत्म होगा रे, तुमको बोलते बोलते हम गिर गया उन्हें खत्म। वाह भुवन वाह, क्या चाल है, ये तो पूरा मछली मारने का एक्सपीरियंस दिखा रहा है यहाँ पे। खतरनाक से, अगर यह थोड़ा सा हिला पड़ता धसते जा रहे। नेक्स्ट हाँ नहीं होगा, आपका बगान चला जाएगा सर। अरे जाओ ना, जाओ ना। सर एक बार यहाँ पे हम इसलिए अपना वेट नहीं लगा रहे ना सर, अगर हम अपना वेट लगाएंगे तो जाएंगे सर। जाओ ना वहाँ पे एक बार, एक बार खड़ा हो ना, जाओ ना खड़ा हो ना एक बार। दो पाँव रखने से गिर जाएगा सीवर। चलो मिस्त्री भैया आप अपना कर्तव्य दिखाओ। भाई ये जो अभी इतना नीचे जा चुका है, थोड़ी देर में ये पूरी तरह नीचे को हो जाएगा लैंडस्लाइड। लाइट हो चुका है कि नहीं हो चुका है? ओए नीचे ही है अभी तक, आगे भी यहीं तक था, वो कुलगच्छी का वजह से रुका हुआ है। मैं तो जान, वो पोर्शन भी जाएगा ना, पूरा नीचे ही जा चुके, पूरा। तो हम और सचिन ये देखने आए थे कि ये मट्टी गिराएगी नहीं है, अब पूरी तरह गिर चुका है ना सचिन, बारिश भी आ रहा है ना। पे नए तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बोलो।